नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हमने टॉपिक लिया है वो है एलोपेसिया इराटा। दोस्तों, एलोपेसिया इराटा क्या होता है, इसको समझने के लिए मैं आपको इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों, ये डिजीज जो एलोपेसिया इराटा है, ये दो वर्ड से बनी है, जिसमें पहला है एलोपेसिया। एलोपेसिया वो कंडीशन होती है जिसमें हमारे बॉडी से, मेनली हमारे सिर से या शरीर के कोई भी अंग से, जब बाल गिरने लगते हैं तो उस कंडीशन को हम एलोपेसिया कहते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन हमारे डिस्कशन में हम स्कैल्प या सिर के बालों के लिए यूज़ करते हैं। दोस्तों, सेकेंड कंडीशन है इराटा। इराटा वर्ड का मतलब एलोपेसिया में जब इराटा एड हो जाता है, यानी वो कंडीशन जिसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर कहीं से भी जगह जगह से कॉइन शेप्ड स्ट्रक्चर में, यानी गोल गोल सर्कुलर पैचेस बन जाते हैं, और जब वो हेयर लॉस होता है तो उस कंडीशन को एलोपेसिया इराटा कहा जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये किसको होता है। ये किसी को भी हो सकता है, यानी किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। एलोपेसिया इराटा आपको 2 महीने के बच्चे में भी देखने को मिल सकता है, आपको 20 साल के यंग एज में भी देखने को मिल सकता है, या 60 ईयर्स के एज्ड पर्सन को भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों, ये सभी को हो सकता है, यानी मेल्स फीमेल्स पुरुष महिलाएँ सभी के अंदर भी ये डिजीज किसी में भी हो सकती है। उसके बाद दोस्तों, हम बात करते हैं कि इसके लक्षण क्या हैं, सिम्टम्स क्या है, हमें कैसे पता चले कि ये एलोपेसिया इराटा ही है। दोस्तों, इसका सबसे पहला जो सिम्टम होता है एलोपेसिया इराटा का, वो ये है कि आपकी जो हेयर लॉस होता है, ये बॉडी के जिस अंग से भी हो रहा है उसके अंदर कॉइन सेप्ड, यानी जो आप सिक्का देखते हैं, आप जो कॉइन यूज़ करते हैं, 2 का सिक्का आपने देखा होगा, 5 का सिक्का देखा होगा, ये जो कॉइन्स होते हैं उस सेप्स के अंदर गोल गोल यानी राउंड या सर्कुलर पेचेस उस आकृति के अंदर आपके शरीर से बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। ये बाल आपके बॉडी में कहीं से भी गिर सकते हैं, यानी बॉडी के वो हिस्से कहीं पर भी जहाँ आपको हेयर है वहाँ से इस तरह का अगर हेयर लॉस हो रहा है तो ये डिजीज़ एलोपेसिया इराटा बन जाती है। और ये मेन जो मोस्ट कॉमन इसकी साइड जो देखने को मिलती है वो होता है सिर या स्कैल्प, यानी सिर से हेयर लॉस होना, जिसमें सर्कुलर एकदम पैचेस बन जाएंगे, वहाँ की स्किन एकदम चिकनी निकल जाएगी क्योंकि वहाँ हेयर फॉलिकल्स ऑलमोस्ट डेड ही हो जाते हैं। तो ये जो कंडीशन होती है इसको एलोपेसिया इराटा कहा गया है। दोस्तों, ये पुरुषों के अंदर जो है उनकी दाढ़ी से या बेड वाले एरिया से भी वहाँ भी सर्कुलर पैचेस देखने को मिल सकते हैं। उसी तरह से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर पूरी बॉडी के अंदर ही हेयर लॉस हो जाता है, कोई एक जगह से शुरू हुआ, उसके बाद में दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, फिर चौथी जगह, इस तरह से धीरे धीरे करके पूरी बॉडी से भी हेयर लॉस हो सकता है। कई लोग ऐसे आते हैं जिनके अंदर की सिर के अंदर शुरू में सिंगल एक पहला स्पॉट बना, फिर सेकेंड बना, फिर थर्ड बना, और धीरे धीरे मल्टीपल स्पॉट्स, यानी बहुत सारे स्पॉट्स बने, आपस में मर्ज हो गए, यानी एक दूसरे से जुड़ते चले गए, जैसे जैसे उनका डायमीटर बढ़ता गया और पता चला कि धीरे धीरे पूरे सिर से ही बाल गिर गए और एकदम चिकना आपका सिर हो जाता है, हेयर फॉलिकल्स भी वहाँ के दिखते नहीं, जब आप टच करते हो तो एकदम स्मूथ स्किन वहाँ की निकल जाती है। दोस्तों, ये कंडीशन है एलोपेसिया इराटा, और वो कंडीशन जिसके अंदर की पूरी बॉडी से ही हेयर लॉस हो जाता है उसको कहते हैं एलोपेसिया इराटा टोटलिस। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इस डिजीज़ में क्या कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। दोस्तों, इस डिजीज़ की सबसे अच्छी अगर हम बात करें तो ये है कि ये कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस नहीं है, यानी इस बीमारी के कारण किसी भी तरह के दूसरे बॉडी के अंदर कॉम्प्लिकेशंस पैदा नहीं होते। मेन यही होता है कि हाँ, आपके जो लुक्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं, प्लस आपको हेयर लॉस का सामना करना पड़ता है। सेकेंड, इसकी एक अच्छी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये डिजीज़ कॉन्टेजीनियस नहीं है, यानी ये बीमारी छुआछूत की नहीं है। अगर मान लीजिए कि घर में, परिवार में किसी को भी ये बीमारी हो गई है तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अगर मैंने मान लीजिए उसको हग किया या उसको टच किया तो उसके कारण बीमारी फैलेगी। नहीं, ये बीमारी बिल्कुल भी छुआछूत की नहीं है, एक से दूसरे को नहीं फैलती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इसके कारण क्या है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एलोपेसिया इराटा। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो है ऑटो इम्यून डिजीज़, यानी जब आपकी वो कंडीशन जिसके अंदर एक बॉडी का, आप ऐसे समझ सकते हैं कि हर आदमी की बॉडी के अंदर एक इम्यून सिस्टम होता है। इम्यून सिस्टम वो होता है जो आपका किसी भी बीमारी से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता हम कह सकते हैं। तो जब ये इम्यूनिटी सिस्टम, जब हमारा इम्यून सिस्टम ही हमारी बॉडी के अगेंस्ट वर्क करने लगता है, उसको कंडीशन को कहते हैं ऑटो इम्यून। तो ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, यानी आपके शरीर के अंदर, आप ऐसे समझ सकते हैं, अंदरूनी कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जिसके कारण आपकी बॉडी खुद ही इस तरह की कंडीशंस पैदा कर लेती है, इसलिए इसको ऑटो इम्यून डिजीज़ कहा गया है। अगर मैं कुछ दूसरे एग्जांपल दूं तो सोराइसिस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ल्यूकोडर्मा एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। और ऑटो इम्यून डिजीज़ दोस्तों जो है, यहाँ आप समझें कि वो हमेशा ठीक होने में टाइम लेती है,
ठीक है। सेकंड में यहाँ आपसे जो इसका कॉमन कॉज देखने को मिला है वो है जेनेटिक्स, यानी कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को रहा है, मान लीजिए आपके माताजी, पिताजी, दादाजी या आपके ननिहाल पक्ष में अगर किसी को इस तरह की कंडीशंस हुई है तो भी आपको इसका सामना पकड़ना पड़ सकता है। दोस्तों कुछ ऐसी और डिजीजेज हैं जिसके कारण भी इस तरह के चांसेज इस बीमारी के बढ़ जाते हैं। जैसे हम बात करें, मान लीजिए थायरॉयड, अगर आपको थायराइड है, अगर आपको अस्थमा है या अगर किसी को एड्स का सामना करना पड़ा है, ये भी कुछ इस तरह की कंडीशंस होती है जिसके कारण कि इस बीमारी के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों अब हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट पार्ट पे। दोस्तों यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि एलोपेसिया इराटा का होम्योपैथी के अंदर बेस्ट ट्रीटमेंट है। मैं यहाँ बिल्कुल कहना चाहूँगा कि जितनी भी चिकित्सा प्रणाली है उसके अंदर मैंने देखा है कि होम्योपैथी इस कंडीशन के अंदर बेस्ट रिजल्ट्स देती है। तो अगर आपको कभी भी इस तरह के सिम्टम्स हैं या ये बीमारी हुई है तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं, अपने नज़दीक में अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं, पूरी अपनी डिटेल्स को वहाँ डिस्क्राइब करें, वो आपसे जो पूछते हैं उन क्वेश्चन के जवाब दीजिए, आपके सिम्टम्स लिए जाएंगे और आपका ट्रीटमेंट जो होगा वो बेस्ट ट्रीटमेंट होगा और ये बिल्कुल क्योरेबल है। दोस्तों लेकिन मैं यहाँ चीज़ आपको दो चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, आप ट्रीटमेंट भी जब लेते हैं होम्योपैथिक तो भी, सबसे पहली चीज़ आप ये समझें कि जैसे ही ऐसे लक्षण आए आप जितना जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं उतना ही जल्दी आप रिकवर होंगे। यानी आपको जैसे ही सिम्टम्स आए, एक स्पॉट्स बना, दो स्पॉट बना, तो इमीडिएटली आप कोशिश करें कि मैं नज़दीक में अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर को अप्रोच करूं और मेरा जितना जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करूं, बिकॉज आपकी इम्यूनिटी वापस उतना जल्दी ही रिकवर हो पाएगी। दोस्तों सेकंड टॉपिक जो मैं आपको यहाँ कहना चाहूँगा वो ये है कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा लंबा चलता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने ट्रीटमेंट शुरू किया 10 दिन 15 दिन या महीने दो महीने के अंदर ठीक हो जाएगा। इस कंडीशन के अंदर मैंने ये देखा है दोस्तों कि बहुत से केसेस के अंदर 3-4 महीने के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं अगर आप शुरू में आ गए तो, लेकिन कुछ ऐसी टफ कंडीशंस भी आती है जिनका कि पूरे सिर के अंदर मल्टीपल स्पॉट्स बन गए हैं या दाढ़ी के अंदर बहुत सारे स्पॉट्स बन गए हैं या चेस्ट से हेयरफॉल हो गया, आईब्रोज से हेयरफॉल हो गया, तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ आपकी बॉडी रेस्पॉन्ड शुरू के 6 मंथ्स तक ही नहीं करती और आपको 6 महीने बाद में रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं। तो मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि बिल्कुल धैर्य रखिए, अपने डॉक्टर के टच में रहिए और ट्रीटमेंट को बहुत ही रेगुलरली लीजिए, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है इसलिए कंटिन्यूटी बनाए रखें। दोस्तों अब हम उन पार्ट पे आते हैं, यानी वो मेडिसिंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जिसका कि यूजुअली मैंने देखा है कि इसके अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। दोस्तों सबसे पहली मेडिसिन जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो है ट्यूबरक्यूलिनम 200। ट्यूबरक्यूलिनम को 200 पोटेंसी में सप्ताह में एक बार लेना चाहिए, इसका एक कोई डे फिक्स कर लेना चाहिए, सपोज फॉर एग्जांपल वेडनेसडे, यानी हर बुधवार को शाम को इसकी 4 ड्रॉप आप डायरेक्ट टंग पे भी ले सकते हैं या ग्लोब्यूल्स के साथ भी मिक्स करके ले सकते हैं, सिर्फ वीक में एक डोज ट्यूबरक्यूलिनम 200। दोस्तों सेकंड मेडिसिन जिसका मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट्स इसका रूटीन में देखा हुआ है, थुजा 200। थुजा 200 को भी हमें वीक में सिर्फ एक बार लेना चाहिए, यानी मान लीजिए एक डे फिक्स कर लिया फॉर एग्जांपल संडे, तो हर संडे की इवनिंग में इसको सिर्फ हमें एक बार ही लेना है, सप्ते की सप्ते एक खुराक। ये दोनों मेडिसिन वीक में एक एक बार लेने से बहुत अच्छे रिजल्ट देखेंगे। दोस्तों कुछ और मेडिसिन जो इसकी स्पेसिफिक है और जिनके बहुत अच्छे रिजल्ट मैंने देखे वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहली मेडिसिन है फ्लोरिक एसिड। फ्लोरिक एसिड को 30 पोटेंसी में सुबह शाम लेने से इस डिजीज़ के अंदर, एलोपेसिया इराटा के अंदर बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले और धीरे धीरे हेयर ग्रोथ वापस होने लगती है। दोस्तों सेकंड मेडिसिन जो है वो है सेलेनियम 200। सेलेनियम 200 को हमें सुबह शाम लेना चाहिए, ये एलोपेसिया इराटा की एक बहुत अच्छी मेडिसिन है और ये वहाँ भी बहुत अच्छा काम करती है जहाँ जेंट्स के अंदर, पुरुषों के अंदर दाढ़ी वाले एरिया के अंदर भी जो है हेयर लॉस होने लग जाता है, उसको भी ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। दोस्तों थर्ड मेडिसिन है हमारी एसिड फोस 30। एसिड फोस 30 को सुबह शाम लेने से इस बीमारी के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे गए। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है फॉस्फोरस 30। फॉस्फोरस 30 को दिन में सिर्फ एक बार ही लेना चाहिए और जहां भी इंडिकेटेड होते हैं, इसके सिम्टम्स होते हैं, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिले। दोस्तों अब मैं आपके साथ एक हेयर ऑयल शेयर करता हूं जो कि इसके अंदर बहुत ही अच्छे रिजल्ट है और हमें लोकली यानी स्कैल्प में पर्टिकुलरली यूज़ करना चाहिए। उसको कैसे बनाना है वो मैं आपको विधि बताता हूं। आप एक 100 ml नारियल की बोतल ले लीजिए, उसमें से लगभग 30 ml जो तेल है उसको आप निकाल लीजिए, यानी आपके साथ में 70 ml आपके पास नारियल तेल बच गया। दोस्तों वो जो 70 ml बचा है उसके अंदर आप 15 ml एक मदर टिंचर डालिए जिसका नाम है जैबोरंडी मदर टिंचर, वो आप डाल दीजिए 15 ml। सेकंड आपको मदर टिंचर यहाँ लेना है सियोनेंथस मदर
टिंचर, उसको भी 15 ml डाल दीजिए, तो वापस ये 100 ml की बोतल आपकी भर गई। अब आपको इसको जो है दिन में 2 बार सुबह शाम, पर्टिकुलरली सिर के अंदर हेयर लॉस हुआ है तो वहाँ जरूर यूज़ करना चाहिए, और जब भी आप यूज़ करें तो इस बोतल को पहले प्रॉपरली सेक कर लें जिससे कि वो प्रॉपरली उसमें मिक्सअप हो जाए। इसको सुबह शाम अगर आप लगाते हैं तो हेयर फॉलिकल्स रीजनरेट होने लगते हैं और हमारी हेयर ग्रोथ के अंदर ही बहुत अच्छे हमें फ़ायदा देता है। दोस्तों, होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे लेनी चाहिए, कैसे हमें घर पर स्टोर करनी चाहिए, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, हाउ टू टेक होम्योपैथिक मेडिसिन। इसको आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके भी देख सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की हमारी जो जानकारी मैंने दी है एलोपेसिया एरेटा पे आपको पसंद आएगी और आपके लिए लाभकारी साबित होगी। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे YouTube चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।